नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पैन इस्लामिज्म के बारे में है। आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में देखो पैन इस्लामिज्म के बदलते ट्रेंड के बारे में डिस्कस किया गया है। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ पैन इस्लामिज्म की। ये एक ऐसी इंटरनेशनल मूवमेंट है जो कि वकालत करती है सभी मुस्लिम्स एकजुट हो जाएं और अलग से देश का निर्माण किया जाए, यानी खलीफा इस्टाब्लिश किया जाए या फिर अलग से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिश की जाए। पहला पॉइंट इस आर्टिकल में बोला जाता है वो ये है, ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप से पैन इस्लामिज्म मूवमेंट की जो लीडरशिप रही है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के पास रही है। आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सभी मुस्लिम्स एकजुट हो जाएं, एक देश का निर्माण किया जाए, खलीफा इस्टाब्लिश किया जाए, ये मांग हाल फिलहाल में आपने किससे सुनी है? डेफिनेटली आपके दिमाग में बिल्कुल ठीक आया है, आईएसआईएस इस प्रकार की बातें करता है। तो आईएसआईएस क्या है? नॉन स्टेट एक्टर है। आईएसआईएस जैसे दूसरे इस प्रकार के संगठन हैं वो भी पैन इस्लामिज्म की बात करते हैं। मतलब कोई देश इस प्रकार की मांग नहीं करता है कि सभी मुस्लिम्स एकजुट हो जाएं और एक देश का निर्माण किया जाए। लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ ऐसा हुआ है, इनडायरेक्टली पैन इस्लामिज्म की जो लीडरशिप है वो स्टेट एक्टर्स के पास आती जा रही है। इमीडिएट रीजन बना रोहिंग्याज का प्लान म्यांमार से दूसरे देशों में। देखो वैसे तो पास्ट में भी रोहिंग्याज के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन 2012 में म्यांमार की आर्मी ने रहाइन एरिया में जो मिलिट्री ऑपरेशन चलाया और उसके बाद रोहिंग्याज माइग्रेट करने लगे दूसरे देशों में, खास करके बांग्लादेश में। उसके बाद से ही मुस्लिम वर्ल्ड में एक सॉलिडेरिटी देखने को मिल रही है। उनको लगता है मुस्लिम्स के साथ गलत हुआ है, एथनिक क्लींजिंग यहां पर हो रही है और इसके काफी सारे सबूत भी हैं। जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रोहिंग्याज के मुद्दे को उठाया यूएन के मंच पर। इवन टर्की के राष्ट्रपति अर्दगन, जिनके बारे में कहा जाता है वो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप लेना चाहते हैं, उन्होंने रोहिंग्या से जुड़े मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इवन ओआईसी के पटल पर भी उन्होंने इस एजेंडा को टॉप पर रखा। अर्दगन की वाइफ जो हैं उन्होंने बांग्लादेश में विजिट किया, उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम आपको असिस्टेंस देंगे। इवन इंडोनेशिया, मलेशिया जो कि मुस्लिम देश हैं, इनके बीच में भी एक होड़ सी देखने को मिली रोहिंग्यास को मदद देने के लिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। 2012 से पहले रोहिंग्यास जब जाते थे इन देशों में तो इन दोस्तों के द्वारा रोहिंग्यास को लौटा दिया जाता था और किसी प्रकार की कोई खास मदद भी नहीं दी गई थी। तो इसीलिए राइटर के द्वारा कहा जा रहा है 2012 के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में एकजुटता सी देखने को मिल रही है और इस एकजुटता की जो लीडरशिप है वो स्टेट एक्टर्स के पास है। बल्कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स पहले बात किया करते थे, फॉर एग्जाम्पल आईएसआईएस या फिर दूसरे इस प्रकार के संगठन, वो कहते थे मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट हो जाना चाहिए, उनके खिलाफ नरेटिव बनता दिखाई दे रहा है और कई देशों ने इन पर कार्रवाई भी की है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश में जमात इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है, वहां पर सरकार ने यह कहते हुए कार्रवाई की है कि टेररिज्म फैलाता है ये ग्रुप। आर्टिकल्स छपे हैं न्यूज़पेपर्स में इस प्रकार के नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ, आप सिर्फ ढोंग करते हो और इसके अलावा आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ पावर को हथियाना चाहते हो। आप खुद तो नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार करते हो और जब माइनॉरिटीज मुस्लिम्स के खिलाफ अत्याचार होता है दूसरे देशों में तब आप आवाज उठाते हो। तो पहले आप नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज पे अत्याचार करना बंद कीजिए। जैसे देखो राइटर के द्वारा एग्जाम्पल दिया जाता है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज के ऑपरेशन की खबरें आती रहती हैं और काफ़ी बार तो ऑपरेशन उन्हीं ग्रुप्स के द्वारा किया जाता है जो कि रोहिंग्याज के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो पहले तो वो अपने देश में नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार करना बंद करें, तभी तो वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो ये पहला पॉइंट था पैन इस्लामिज्म से संबंधित। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं।
देखो 2012 से पहले क्या होता था, पैन इस्लामिज्म मूवमेंट में पॉलिटिकल कास्ट पे फोकस किया जाता था। फॉर एग्जांपल पैलेस्टीन को उसका लैंड वापस मिले और पैलेस्टीन के फॉर्म में एक अलग से देश बनाया जाए। लेकिन 2012 के बाद पैन इस्लामिज्म मूवमेंट में ह्यूमैनिटेरियन कास्ट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जैसे कि रोहिंग्याज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं। मांग ये नहीं की जा रही कि रोहिंग्याज के लिए एक अलग से देश का निर्माण किया जाए, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे फोकस किया जा रहा है 2012 के बाद पैन इस्लामिज्म मूवमेंट में। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, उइगर्स, सोमालीज, यमेनीज, चेचेंस, ये सभी मुस्लिम्स हैं। उइगर्स कम्युनिटी के कुछ लोग चाइना में अलग से देश की मांग करते हैं, उसी प्रकार से चेचेंस कम्युनिटी के कुछ लोग रशिया में अलग से देश की मांग करते हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में इनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं देखने को मिलती। ऐसा क्यों? राइटर इसका जवाब देते हुए कहते हैं, आमतौर पर देखो मुस्लिम वर्ल्ड में सोलिडारिटी सिर्फ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म या फिर जियोनिज्म के खिलाफ देखने को मिलती है। जैसे मुस्लिम वर्ल्ड आरोप लगाता है कि इजराइल अत्याचार करता है पैलेस्टीन के लोगों के ऊपर, तो इस इशू पर मुस्लिम वर्ल्ड में सोलिडारिटी देखने को मिलती है। या फिर यूएसए के द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है, मिडिल ईस्ट में कोई इंटरवेंशन की जाती है, तब भी मुस्लिम वर्ल्ड में एकजुटता देखने को मिलती है और कहा जाता है वेस्टर्न कंट्रीज इंपीरियलिज्म को अडोप्ट कर रही हैं। या फिर आपने ये भी देखा होगा, वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी बार कोई कॉन्ट्रावर्शियल कार्टून छपता है जिससे मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, कोई बुक छपती है, तब भी मुस्लिम वर्ल्ड में एकजुटता देखने को मिलती है। एग्जाम्पल दिया जाता है 1989 में सलमान रुश्दी की एक बुक रिलीज हुई थी, द सैटनिक वर्सेस। इस बुक के खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस के द्वारा इस बुक का विरोध हुआ। यानी कहने का एसेंस ये है, पैन इस्लामिज्म की जो मूवमेंट है वो आमतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगेंस्ट ही देखने को मिलती है। यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कुछ होता है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा जो कुछ किया जाता है उनके अगेंस्ट ही ये एकजुटता देखने को मिलती है। वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में जहाँ पर मुस्लिम्स पर अत्याचार की खबरें आती हैं उनके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई जाती, जैसे चाइना में, रशिया में, वहाँ भी इस प्रकार की खबरें आती हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड के द्वारा कुछ नहीं बोला जाता। तो ये तीन पॉइंट्स हैं मेन इस पैन इस्लामिज्म मूवमेंट में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।